नारायण क्षेत्र के गांव सियारा में कुछ दिनों पूर्व हुए विवाद के वांछित अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली बातों पर बढ़ रहे विवादों पर पुलिस पूर्ण अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है और जो लोग पीड़ित हैं उन्हें पुलिस न्याय दिला रही है। मामला गांव सियारा का है जहां बीते दिन अपने नोहरे पर गई महिला के साथ गांव के ही विष्णु और पंकज ने मारपीट कर डाली, जिसकी शिकायत थाने में की गई और नामजदों के खिलाफ NCR दर्ज की गई। जब महिला की मेडिकल रिपोर्ट आई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी गई, जिससे पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। आज पुलिस ने वांछित अपराधियों को पकड़ लिया और उन्हें जेल भेज दिया। मुकदमा अपराध संख्या 11/19 कायम हुआ था NCR में और उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट जो है वो 12/1/19 को प्राप्त हुई थी और उसमें गंभीर चोट होने के कारण ये NCR से तर्मीन हो गया था। क्राइम नंबर पर आने के बाद में दो इसमें नामजद अभियुक्त थे, उन्हीं की तलाश जारी थी और राया पुलिस ने तबिश दे के आज विष्णु और पंकज उत्तरण सुधरी निवासी सेहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला क्या था, कहाँ था? ये दरअसल एक प्रवीण सनोत दलवीर सिंह, उसकी माँ जो है 9 तारीख को अपना घूरे के पर गई थी तो वहाँ विपक्षी गण इन दोनों लड़कों ने जो है वहाँ उसको मना किया और मारपीट कर दी जाने से। वो तो मारपीट में उसको इतनी गंभीर गुम चोट आई, ओपन चोट नहीं आई थी। अगर ओपन चोट आती तो उसी वक्त जो है मुकदमा पंजीकृत हो जाता। गुम चोट होने के कारण NCR पंजीकृत हुई और उसकी सप्लीमेंट्री डॉक्टरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसको तर्मीन किया गया और 326 इसमें बढ़ी डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर।